हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के 5 मेजर पॉइंट के बारे में। ये मूवी के मेजर सीन होने वाले हैं, तो अपनी रिक्स पे वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े दो स्पॉयलर्स हैं। दो भी कह सकते हो या तीन भी, बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई अपनी रिक्स पे देखना, अगर ये सच निकल गए तो भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत बोलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले जो पॉइंट आने वाला है वो होने वाला है थोड़ा रोमांटिक, जिसमें कि स्टार लॉर्ड गमूरो को बताता है अपनी रिलेशनशिप के बारे में कि मैं तुम्हें कैसे पसंद करता था या तुम मेरी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए। तो हर एक मेजर सीन के बारे में बताता है, कुछ पुरानी यादों को ताजा करता है। दूसरा पॉइंट जो हमें मेजर सीन देखने को मिलेगा वो मिलेगा नेबुला का और गमूरा का। यहाँ पे नेबुला अपने कैरियर के बारे में बताती है कि मैं कितनी ज्यादा पागल थी, कुछ भी कर देती थी बिना सोचे समझे, और तुमने मुझे चेंज करा। फिर वो हर मेजर इवेंट के बारे में बताती है, जिसमें वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, हॉलीडे स्पेशल, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और अब जो प्रेजेंट में चल रहा है, और जो टाइम ट्रेवलिंग हुई उसके बारे में वो डिस्कस करती है और हर एक मोमेंट के बारे में बताती है। तो गमूरा यहाँ पर इन्हीं नेबुला की बात सुनती है और गार्डियंस का हिस्सा बनती है। देन नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, स्पॉइलर ही वार्निंग पहले से ही। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडम वॉरलॉक आयशा और एडम वॉरलॉक को पीछे भेजती है अटैक करने के लिए, और यहाँ पे गार्डियंस और एडम वॉरलॉक का आमने सामने सामना होता है, और गार्डियंस एकदम हारने को होते हैं, और एडम वॉरलॉक एकदम ग्रूट पर हमला करता है, और होता ये है कि रॉकेट एकदम बीच में आ जाता है और ग्रूट को बचाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, और ग्रूट का यहाँ पर एक हाथ और पैर कट जाता है। ऐसा पॉइंट है और मूवी में ये सीन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सारी गार्डियंस की टीम एक साथ मिलकर ड्रैक्स की डॉटर को ढूंढ लेते हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, यानी कि ड्रैक्स की बेटी वापस आ जाती है और वो काफ़ी उसमें ज़्यादा पावर्स भी होती हैं। पर एंडिंग के सीन में, जो कि मूवी का मेन विलेन है, हाई एवोल्यूशनरी नाम है शायद उस कैरेक्टर का, ठीक है, और वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो गार्डियंस को एक तरफा तरफा खेल कर देता है। पर यहाँ पर ड्रैक्स की डॉटर पर हमला होता है और ड्रैक्स अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, यानी कि मूवी में हमें दो कैरेक्टर मारे जाएंगे गार्डियंस की टीम के, एक तो ड्रैक्स और रॉकेट। अब रॉकेट का काफ़ी टाइम पहले कंफर्म हो चुका था, क्योंकि जेम्स गन ने खुद कंफर्म कर दिया था कि रॉकेट शायद मे भी मर सकता है इस मूवी में, और ड्रैक्स ने ये चीज़ हाल ही में क्लियर करी थी कि ये मेरी लास्ट मूवी होगी। तो मुझे लगता है कि जो दो लास्ट वाले पॉइंट है एकदम सच हो सकते हैं, बाकी मूवी देख के पता चलेगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो कि स्पॉइलर वार्निंग है, उस क्रेडिट सीन के साथ फाइनली स्टार फॉक्स और पिप्पी ट्रॉल्स आते हैं और गार्डियंस को बताते हैं कि इंटरनल्स के साथ क्या हुआ आने वाले टाइम में, अब बहुत कुछ बुरा भी होने वाला है। तो ये गार्डियंस को ऐसा बताते हैं, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन है। अब इतने सारे जो पॉइंट्स निकल के आए हैं और जो प्लॉट निकल के आया है, तो आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मुझे तो लगता है कि हाँ भाई 50-50 चांसेस है अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। बाकी आप लोगों पर के डिपेंड है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा सच लग रहा है कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा।